दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक तरफ संसद भवन के पास देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी लोकतंत्र से खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इन खिलाड़ियों के लिए बोलने के बजाय हमारे देश के फिल्मी खिलाड़ी सत्ता की चापलूसी में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का लेक्चर परोस रहे हैं। दोस्तों, शाहरुख खान, रजनीकांत के अलावा अक्षय कुमार ने भी कई फिल्मी स्टार्स की तरह संसद भवन को लेकर वीडियो जारी की, लेकिन वीडियो में जो बातें अक्षय कुमार ने बोली वो उसी तरह के प्रचार को आगे बढ़ाती हैं, मानो 2014 से पहले देश में कुछ था ही नहीं। अक्षय कुमार ने कहा कि दिल्ली में जब परिवार के साथ में घूमने जाता था तो बड़ा बुरा लगता था कि इंडिया गेट के पास सारी इमारतें अंग्रेजों ने बनाई हैं। अक्षय कुमार ने बीजेपी नेताओं की उसी बात को आगे बढ़ाया जिसमें वो कहते हैं कि पुराना संसद भवन तो अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। मुझे याद है, दिल्ली में जब मैं रहता था और अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट और उसके आसपास घूमने जाता था तो ज्यादातर बिल्डिंगें अंग्रेजों की बनाई हुई दिखती थी। तो सवाल ये कि अगर पुराना संसद भवन अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है तो मोदी जी ने उसी संसद भवन की सीढ़ियों पर दंडवत प्रणाम क्यों किया? पुराना संसद भवन अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक कैसे हो सकता है? दोस्तों, अंग्रेजों ने भी जो इमारत बनाई उसमें भारत के मजदूरों का खून पसीना लगा है। अगर इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो फिर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन क्यों किया जाता है, हम उसमें हिस्सा क्यों लेते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि वो भी अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। कॉमनवेल्थ को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में बता रहे थे कि कॉमनवेल्थ भारत और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है, जबकि कॉमनवेल्थ देशों में वही देश आते हैं जहां कभी अंग्रेजों का शासन रहा था। अक्षय कुमार कहते हैं कि नया संसद भवन हमें दिखाता है कि हम कहां थे और कहां आ गए। तो मेरा अक्षय कुमार से ये सवाल है कि एक संसद भवन की इमारत क्या विकास का पैमाना हो सकती है? अगर हमें हिंदुस्तान की तरक्की का उदाहरण देना है तो हमें ये बताना चाहिए कि आज़ादी के वक्त हम कहाँ थे और आज हम कहाँ तक आ गए, कैसे हमने IIMs, IITs, इसरो, भेल, गेल, एम्स जैसे बड़े संस्थानों को खड़ा किया। जिस संसद भवन को अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक बताया जा रहा है उसी संसद भवन में भारत ने लोकतंत्र का इतना लंबा सफर तय किया कि आज चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और ये हमारी गर्व की बात है, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि हमारे देश में एक सामान्य मार्मी का बेटा, एक गरीब आदमी का बेटा भी उस पद पर पहुंच सकता है जिस पद में दूसरे देश के लोग पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अक्षय कुमार कहते हैं कि नए संसद भवन में नए भारत की तस्वीर दिखती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम नए भारत की बात करें, लेकिन ये कहना कि हम कहां से कहां आ गए, आज़ादी के बाद के इतिहास को नीचा दिखाना है। और पीएम मोदी की चापलूसी में बॉलीवुड कलाकारों से लेकर टीवी के एंकर लगातार ऐसी भाषा बोल रहे हैं, जबकि इन लोगों को ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र इमारतों से मजबूत नहीं होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों से मजबूत होता है। दोस्तों, अक्षय कुमार जैसे स्टार से मेरी अपील है कि मोदी जी की जितनी तारीफ उन्हें करनी है करें, लेकिन इस बहाने विकास की इस यात्रा को नीचा मत दिखाइए जो हमने तय की नेहरू से लेकर वाजपेयी तक, जिसमें एक बड़ा योगदान इस संसद भवन का था जिसे हम पुराना संसद भवन कह रहे हैं, जिसे हम अंग्रेजों की गुलामी कह रहे हैं। आज आप संसद भवन के पीआर इवेंट में बॉलीवुड कलाकारों की ऐसी चापलूसी पर क्या सोचते हैं? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।